सिटी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष में सुबह के समय बच्चों का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, दोपहर में साइबर अवेयरनेस जैसे विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी स्मार्ट सिटी के CEO भुवनेश्वर एस द्वारा दी गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को सक्करदरा झील के पास एक पार्क में नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नागपुर नगर निगम के सहयोग से स्वतंत्रता महोत्सव समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक मोहन मती, उप महापौर मनीषा धावड़ी, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर, नेता प्रतिपक्ष ताना जीवन में, स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस, महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष दिव्या धुर्डी, नेहरू नगर जोन कमेटी अध्यक्ष स्नेहल बिहारी, पार्षद मंगला कावरी, स्मार्ट सिटी निदेशक अनिरुद्ध शेनवाई, पार्षद रीता मूले, पार्षद नागेश सहारी उपस्थित थे। मेयर तिवारी ने कहा कि नागपुर स्मार्ट सिटी ने सक्करदरा और बीडीपी क्षेत्रों को नेचरिंग नेबरहुड के रूप में चुना है। स्मार्ट सिटी और निगम नागपुर को नया रूप देने की कोशिश कर रही है। इस कार्य में नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। वे नगर पालिका की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहते हैं। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तानाजी वनवे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्वतंत्रता और विकास में देश के योगदान के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव में सुबह योग प्रशिक्षक राहुल कानिटकर और उनकी टीम ने जनार्दन स्वामी योग बोर्ड की ओर से योग प्रशिक्षण दिया। मेयर ने उन्हें उनके काम के लिए सम्मानित किया। निगम की शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। शाम को महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप मीट का आयोजन किया गया। साथ ही ईट राइट चैलेंज के तहत स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन की जानकारी दी गई। ईट राइट चैलेंज की जानकारी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की धवज चौधरी ने दी। नगर निगम अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा एक प्रस्तुति भी दी गई। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के तहत पहला पुरस्कार मनोरमाबाई मुंडली कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर को मिला। प्रिया चौधरी और तन्वी बरघटी को स्मार्ट सिटी के CEO भुवनेश्वरी एस, सुबेदार अखाड़ी के बच्चों ने आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया और पूरे समूह ने आत्मरक्षा के विभिन्न तरीके बताए। कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी ने किया। स्मार्ट सिटी कंपनी सचिव भानुप्रिया ठाकुर, वित्त अधिकारी नेहा झा, राजेश दुफरे, डॉक्टर प्रणीता उमरेडकर, मंजीत निवारी, गुड्डी उजवानी, डॉक्टर शील घुले, राहुल पांडे आदि उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नागपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा आयोजित स्केटिंग रैली का आयोजन संविधान चौक पर रोहित देशपांडे और लाल सिंह के सौजन्य से किया गया। बच्चों ने 75 मीटर तक स्केटिंग की। महोत्सव के अनुसंधान में हमने 3 दिन का कार्यक्रम रखा था। अक्टूबर 1-2-3 तारीख का कल भी हमारा सक्करदरा लेके बाजू में कार्यक्रम था, आज इधर हमने ले लिया है। आज सवेरे का कार्यक्रम है, एक छोटा मुलांचा फैन्सी ड्रेसचा कॉम्पिटिशन आम्ही प्लॅन केलं होतं, पण बारिशच्या वजह से आम्हाला जास्त मुलं घेऊ शकलं नाही, थोडंच मुलं आम्हाला आलेली आहे। आणि आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन पण झालेली आहे। आणि दुपारी आम्ही सायबरचा अवेअरनेससुद्धा ठेवलेली आहे, फायर ब्रिगेडचंसुद्धा डेमॉन्स्ट्रेशन आहे। या सीताबर्डी मार्केट आहे, हे स्ट्रीट फॉर पीपल चॅलेंजमध्ये आम्ही घेतलं होतं। या चॅलेंजच्या अनुषंगाने एक ट्रायल म्हणून 200 मीटरचा आम्ही ट्रायल घेतलेली आहे आणि व्यापारीला फायदा होणार पाहिजे तसा सेशन्स आम्ही आज दुपारी प्लॅन केलेली आहे। आणि झुंबासुद्धा आहे फिट फॉर इंडिया चॅलेंजच्या अनुषंगाने, लोकांना कसा फिट ठेवायचं। सो आज मी सगळ्या नागरिकांना विनंती करते की या कार्यक्रमामध्ये जास्त लोक यावे आणि यांचा एन्जॉय करावे। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।